आपके जानकारी में कई लोग होंगे जिन्हें रोज रोज नहाना पसंद नहीं। आप खुद अगर कुछ दिन ना नहाए तो आपको खुजली या अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी महिलाएं भी हैं जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के नॉर्थ नामीबिया के कुनेन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाओं की। अफ्रीका के जनजाति में रहने वाली हिम्बा ट्राइब की महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है। वहां की महिलाओं को हाथ तक धोने के लिए पानी इस्तेमाल करने की मनाही है। उनको सिर्फ एक दिन नहाने की इजाजत है, वो भी अपनी शादी के समय। बिना नहाए भी वो महिलाएं खुद को फ्रेश और ताजा रखती है। इस जनजाति की महिलाएं सबसे अलग होती है, यहाँ तक कि उनका रंग भी लाल होता है। आपको बता दें, नहाने के लिए ये महिलाएं खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। इन्हें पानी में उबालकर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती है ताकि उनसे बदबू ना आए। इसकी खुशबू से इनकी बॉडी कभी ना नहाने के बाद भी फ्रेश लगती है। इतना ही नहीं, ये महिलाएं अपनी बॉडी को धूप से भी बचाती है और उसके लिए एक खास लोशन का इस्तेमाल करती है। यह लोशन जानवर की चर्बी और हेमाटाइट लोहे की तरह एक खनिज तत्व की धूल से तैयार किया जाता है और इसी के कारण उनका रंग भी लाल होता है। ये लोशन उन्हें कीड़े मकोड़े से भी बचाता है और साथ ही लाल रंग से ये सभी पुरुषों से अलग भी दिखती है, इसलिए ये खुद को लाल बनाए रखती है। इन्हें रेड वुमेन भी कहा जाता है। वाकई ये महिलाएं हमसे भी कई कदम आगे हैं, लेकिन जो भी हो, हमें तो नहाना ही अच्छा लगता है। इन महिलाओं को रेड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये महिलाएं धूप से बचने के लिए एक अलग तरह के लोशन का प्रयोग करती हैं। हेमाटाइट नाम का एक खनिज होता है। इसकी धूल और जानवर की चर्बी से तैयार लोशन को ये महिलाएं अपने चेहरे पर लगाती हैं। इससे उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है। यही वजह है कि इन्हें रेड वुमेन भी कहा जाता है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।